हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द टेक न्यूज 87। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन वीवो Y11 लॉन्च कर दिया है। इसके कुछ फीचर मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने साथ में 6.35 इंच की एक HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले के साथ में आता है। यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 439 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 13+2 मेगापिक्सल का जो डुअल कैमरा सेटअप है वो बैक साइड में मिल जाता है और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी यूज की गई है। 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज जो सेकंड वेरिएंट है वो 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। अब ये चाइना में रिलीज हुआ है, देखते हैं इंडिया में कब आता है। दोस्तों बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे पी स्मार्ट का जो वेरिएंट है 2019 वो टीना के ऊपर स्पॉटेड हो चुका है। स्पॉटेड रिपोर्ट के मुताबिक इसके अंदर होने वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, पीछे की साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। ये जो पी स्मार्ट का जो 2019 जो वर्जन है, देखते हैं कैसा होता है, ये इंडिया में कब आता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो U3 का टीजर लॉन्च हो चुका है। टीजर के मुताबिक इसके अंदर आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर और ट्रिपल कैमरा का सेटअप पीछे की साइड में। अब ये जो U3 है, ये यू सीरीज का सेकंड स्मार्टफोन बनने जा रहा है। जो वीवो U1 आया था में, U2 तो इन्होंने नहीं निकाला, लेकिन U3 डायरेक्ट निकाल दिया है। देखते हैं कि ये जो नया स्मार्टफोन है कैसा होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है ट्रूकॉलर की तरफ से। ट्रूकॉलर ने एक नया फीचर अपने ट्रूकॉलर के अंदर ऐड कर दिया और नया फीचर है वो है ग्रुप चैटिंग का। जी हाँ, ट्रूकॉलर के जरिए आप ग्रुप चैट कर पाएंगे और उसके अंदर एक और नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया है ग्रुप चैटिंग के अंदर ही। उसमें क्या होगा कि जब आप किसी को ग्रुप में ऐड करेंगे, फिर कोई भी ग्रुप में ऐड है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उनके नंबर नहीं देख पाएगा। उसमें ग्रुप के अंदर नंबर हाइड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नंबर ना देख पाए। अगर वो नंबर देखना चाहता है तो पहले उसको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको नंबर दिखाई दे जाएंगे, वरना नहीं देंगे। तो अपने ट्रूकॉलर को अपडेट कर लीजिए और इंजॉय कीजिए ग्रुप चैट को। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है मोटरोला की तरफ से। मोटरोला का फोल्डेबल स्मार्टफोन जिसका नाम है मोटरोला रेजर। अब ये जो स्मार्टफोन है, इसकी जो लीक्स हैं वो काफ़ी दिनों से आ रही हैं, तो फाइनली इसकी जो रिलीज डेट है वो आ चुकी है। 30 नवंबर को ये जो मोटरोला रेजर है ये रिलीज किया जाएगा। अब ये जो लॉन्च है ये इंडिया में तो नहीं होगा, बाहर की किसी कंट्री में किया जाएगा। इंडिया में थोड़े दिनों बाद में आएगा, फिर हो सकता है 2020 के Q1 में हमें जो स्मार्टफोन है मोटरोला की तरफ से फोल्डेबल स्मार्टफोन ये हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है एयरटेल की तरफ से। दोस्तों एयरटेल ने अपनी 3G सर्विस को शट डाउन कर दिया है पंजाब से। जी हाँ, पंजाब के अंदर अब एयरटेल 3G यूज नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जो एयरटेल यूजर हैं वो 3G सर्विस का फायदा नहीं उठा पाएंगे। या तो उनको 2G में स्विच होना पड़ेगा या फिर उनको 4G में जाना पड़ेगा। अब यानी कि 2G या फिर 4G में ही वो यूज कर सकते हैं, 3G का यूज वो वहां पे नहीं कर सकते। फिर पंजाब के अंदर किया गया है। हो सकता है आगे चल के, हो सकता है, मेरे अनुसार ये हो सकता है कि एयरटेल पूरी इंडिया से 3G सर्विस को गायब कर दे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे Enjoy 10 लॉन्च हो चुका है। अब इसके कुछ फीचर मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने साथ में 6.35 इंच की HD+ रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले के साथ में आता है। यहाँ पे आपको Kirin 710 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। पीछे की साइड में ड्यूल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। 4000 mAh की इसके अंदर बैटरी यूज की गई है। अब ये जो हुआवे Enjoy 10 है ये चाइना के अंदर रिलीज किया गया है, इंडिया में भी नहीं आया। पता नहीं कंपनियां बाहर पहले क्यों रिलीज करती हैं, इंडिया में बाद में रिलीज करती हैं। देखते हैं कि ये इंडिया में आता है फिर नहीं आता। दोस्तों बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही गूगल पिक्सल 4 को लेके। पिक्सल 4 जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है, एक स्मार्टफोन है जो कि गूगल की तरफ से आने वाला एक फ्लेक्सिप स्मार्टफोन है। तो ये जो पिक्सल 4 रिलीज हुआ है इसके अंदर काफ़ी सारे एडवांस हार्डवेयर ID का यूज किया गया है, जिसके अंदर आपको क्या है कि डॉट प्रोजेक्टर है और जो एडवांस फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होती है वो इसके अंदर यूज की गई है। लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग के दौरान ये पाया गया है कि इसके अंदर एक सिक्योरिटी बग है और वो बग ये है कि आँख बंद करके भी ये जो फेस लॉक है ये काम कर रहा है। जी हाँ, अगर आप सोए हुए हैं, आपके घर के आपके बच्चे या फिर कोई आपके भाई बहन के आए कि आपके पास पिक्सल 4 है और आपने क्या कर रखा है कि उसको फेस लॉक लगा रखा है उसमें, और आप सोए हुए हैं, बिल्कुल बेझिझक होगी कि हाँ मेरा फ़ोन तो सिक्योर है, लेकिन वो क्या करते हैं फ़ोन को आपकी मुँह के सामने लेके आएंगे और वो अनलॉक हो जाएगा। तो ये सिक्योरिटी बग है, अब हो सकता है इसके नेक्स्ट सिक्योरिटी पैच के अंदर इसको फिक्स किया जा सके। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग ने एक पेटेंट फाइल दी है और इस पेटेंट फाइल के अंदर उन्होंने दिखाया है स्ट्रेचेबल डिस्प्ले, यानी कि फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, जिसको
आप थोड़ा सा खींच के से लंबा कर सको तो एकदम रबड़ वाली डिस्प्ले वहां पे दिखाया, एकदम फ्लेक्सिबल, यानी उसको कैसे भी तोड़ो मरोड़ो चाहे डिस्प्ले को। ऐसी डिस्प्ले का फाइल पेटेंट अभी सैमसंग ने दिया है, इसका मतलब आगे चल के हमें सैमसंग की तरफ से ऐसा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसकी डिस्प्ले को आप स्ट्रेच कर सकेंगे, यानी कि उस डिस्प्ले को आप कैसे भी मोड़ सकेंगे, वो टूटेगी नहीं। अब ये पेटेंट है, देखते हैं रियलिटी में कब चेंज होता है। दोस्तों बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज आ रही है MIUI 11 के अपडेट को लेकर। यहाँ पे कुछ डिवाइसेज हैं जिनको MIUI 11 का अपडेट स्टार्ट हो चुका है, यानी कि उनका जो OTA अपडेट है वो मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर Redmi Note 7, Note 7 Pro, Mi Mix 3, Mi Mix 2 और Mi Max 3 और Mi 9 SE 2, ऐसे जो डिवाइसेज हैं इनके लिए MIUI 11 का जो अपडेट है वो रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। अगर आप Note 7 Pro या फिर इनमें से कोई भी डिवाइसेज अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये अपडेट मिल जाएगा। हो सकता है आपको मिल चुका है, अपडेट कर लीजिए। अगर नहीं मिला तो थोड़ा सा वेट कीजिए, धीरे धीरे सभी को ये अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों अब लास्ट न्यूज़ है, ये न्यूज़ भी MIUI को लेके आ रही है। यहाँ पे MIUI 11 का अपडेट लोगों तक पहुँचा नहीं है कि MIUI 12 की अपडेट यहाँ पे सामने निकल के आ चुकी है। MIUI 12 की अपडेट ये है कि Xiaomi काम करना स्टार्ट कर चुका है MIUI 12 के ऊपर, और ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर MIUI 12 को रिलीज किया जाएगा MIUI 12 के ऊपर। अभी MIUI 11 ढंग से पहुंचा नहीं लोगों के पास में, MIUI 12 के ऊपर काम करना स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ लेटेस्ट मुझे न्यूज़ और लेटेस्ट मुझे अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।